सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और कैसे हो आप सब, उम्मीद रखता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। इलेक्ट्रिसिटी तो चला गया गाइस, और देखो बाहर बारिश जो है। कांची तुम कहाँ गई, जल्दी आओ, भीग क्यों रही हो यार, भिस्ते जो कहना तुम्हें कापुर भिस्तरे छाता नहीं जाए बृष्टि से। ये अभी क्या पागल हो तुम भी, तुमको जब दिख रहा है बारिश हो रहा है तो छतरी लेके जाना चाहिए ना, पूरा भीग गई। देखो इधर बुखार आ जाएगा, ये देखो पानी पानी हो गया है। छोटा बच्चा है यार, थोड़ा सा तो ध्यान रखो अपना। नहीं चला गया वो इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया। ये देखो पूरा बादल छाया हुआ है बाहर। चलो ढाई तीन घंटा बाद एक ग्राहक ही आया। अभी अगर बारिश नहीं रुकता है ना गाइस, तो अभी शाम को आज बाजार वहाँ पे बैठा हुआ है, तो आज भी जो है सेलिंग नहीं होगा। ऐसे तो कहाँ से आएंगे, सारे लोग अभी भाग रहे हैं छतरी लेके। कितना बेचा, 20 रुपये है सेलिंग नहीं है दो दिन से। हाँ कल भी तो नहीं हुआ, कल तो बाजार के ऐसे ही टाइम पे गाइस बारिश, आज तो मतलब कल से तो चल ही रहा है बारिश की वजह से। हाँ आधा घंटा नहीं हो रहा है फिर आ रहा है बारिश, वैसे चल रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया है गाइस, बट मुझे लगता है ना ये सावन का जो बैंगल्स है और नहीं बिकेगा। क्या लगता है कांची तुम्हें, और बिकेगा सावन का बैंगल्स? अभी भी दो सोमवार है ना, देखते ही जाते हैं। दो सोमवार है यानी कि आज है फ्राइडे, कल सैटरडे, परसों संडे, संडे को बिकेगा है ना, सैटरडे संडे। आज तो अभी बारिश तो रुक गया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अभी सेलिंग होगा बढ़िया? आईडी मतलब मुझे भी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट में जो लोग आना जाना करते हैं ना गाइस, वो देख के ही पता चलता है ना, खाली है ना पूरा मार्केट। तो ये जो सावन का बैंगल्स है और ज़्यादा नहीं है गाइस, अभी मैं सोच रहा हूँ कि और सामान लाओ कि ना लाओ। मैं आप लोगों को मेरा सावन का जो बैंगल्स का जो स्टॉक है वो दिखा देता हूँ कितना स्टॉक है। तो यहाँ पे इतने सारे है, यहाँ पे है, नीचे एक है और इतने सारे है। तो कितना सारा बैंगल्स लाया था ना गांधी, लगभग जो है सारे खत्म हो गया, तो इतना तक रिमेनिंग है। अभी और नया करके स्टॉक नहीं लाएंगे, क्या बोलती हो? क्योंकि अभी मार्केट का अंदाजा लेंगे, मार्केट कैसा है, कितना माल और खींचेगा, उसके हिसाब से लाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो लाएंगे, नहीं तो वरना ला के फायदा नहीं है, फिर एक साल का वेट करना होगा है ना। तो क्या कर सकते हैं, कैसे भी वेट करके देखते हैं ना शाम का। अभी कितना टाइम कितना हुआ है गांधी, 5:45 यानी कि मान के चलिए 8 बजे तक 2 घंटा है हाथ में, ठीक है ना। 2 घंटे में देखते हैं कितना सेलिंग हुआ है। अभी तक तो लगभग 600 या 700 रुपए का सेलिंग हुआ है, कि उससे ज्यादा हुआ है, उतना हुआ है। हाँ तो 600-700 रुपए का सेलिंग जो है सुबह से अभी तक हुआ है, अभी वेट करके देखते हैं। और गाइस कल मोबाइल पे चार्ज नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया था, इसलिए तो बाद में ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो चलिए अभी दुकान पे जाते हैं। और गाइस नेल पॉलिश में ना काफी सारे जो है यहाँ पे जमा हो गए है ऑफ कलर, यानी कि आप लोगों को अगर पता नहीं है बताना चाहूंगा। इस तरीके ये वाले डब्बे में देखो नेल पॉलिश काफी सारे जो है ना खराब हो गया है, क्योंकि हमारे कॉस्मेटिक शॉप में ना मतलब ये देखो एक पैकेट आता है नेल पॉलिश का इस तरीके का, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 दर्जन भी हो सकता है, 1 दर्जन भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे मल्टी कलर रहता है, और ये सारे मल्टी कलर में ना ऐसे बहुत सारे कलर होते हैं जो बिकता ही नहीं है। तो वही जो कलर नहीं बिकता है ना, फिर वो जमा होते हैं एक पीस दो पीस करके। तो अभी इतने सारे जो नेल पेंट का कंटेनर मेरे पास है, तो इसमें सारे का सारे सही नहीं है, ठीक है। तो ये वाले जो आप देख रहे हो ना, इसमें ज्यादातर जो नेल पॉलिश है खराब हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये सूख गया, इसके बाद ये वाला भी खराब हो गया। ये वाले तो नया है, इसका सारे का सारे जो नेल पॉलिश का कंटेनर है सही है। ये भी पूरा का पूरा देख रहा हूँ सूख चुका है, इसमें भी 1 पीस 2 पीस करके जमा हुआ, तो इसको इधर रख देते हैं। ये रेड वाला सही है, इसमें भी खराब हो गया, ये वाला सही है, इसमें भी थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत खराब हो गया, ये सही है, ये भी सही है, और ये तो खराब ही है। तो देखो कितने सारे जो नेल पेंट है, क्योंकि अभी इतना है तो इतने में तो दुकानदारी नहीं होगा, ठीक है। तो ये और भी लाना पड़ेगा, और क्योंकि ये सारी चीज़ चेक करना होता है यार दुकान में। अगर आपका भी दुकान है, मोस्ट प्रोबेबली होगा ही, और आपके भी दुकान में इस तरीके का नेल पॉलिश जो है वो खराब होता ही होगा, तो इसको अभी क्या कर सकते हैं। चलो इसको जो है फिर एक एक करके सही कर लेता हूँ सबसे पहले। चलो ये वाला तो सही करके मैंने रख दी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, अगर आप आपके दुकान पे अच्छा क्वालिटी का सामान रखेंगे ना, तो इसमें फायदा ये होता है। देखो ये वाले जो मैं नेल पॉलिश आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये तो कुछ दिन पहले लेके आया था, बट ये वाला जिस टाइम पे लाया था यहाँ पे जो नेल पेंट है ना, ये भी सेम टाइम पे लाया था। बट देखो ये सारे जो नेल पॉलिश का कंटेनर है ना, ये अभी भी सही है, इसका कुछ भी खराब वगैरह नहीं हुआ है, क्योंकि ये अच्छा क्वालिटी का है, थोड़ा कॉस्टली है मतलब इसके रेंज के हिसाब से, ठीक है, ये वाला अच्छा क्वालिटी का है। तो क्या ये ज्यादा दिन शॉप में हम रख भी सकते हैं, उतना जल्दी खराब भी नहीं होता है, कस्टमर का कंप्लेन भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक चीज है जिससे क्या है ना, हम क्वालिटी सामान अगर आप दुकान पे रखेंगे, भले ही उसमें प्रॉफिट थोड़ा कम हो, बट क्या है ना घाटा उतना नहीं रहता है, और कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहता है। इससे क्या है, हमारा दुकान का जो इमेज है ना वो बढ़िया होता है, ठीक है ना, कस्टमर रिपीट होता है। तो ये बात
थे ठीक है। और गाइस देखो देखते देखते दिव्यांश पापा भी बड़े हो रहे और एक हफ्ते बाद दिव्यांश पापा का भी 4 महीना कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये है ना बात, पापा जी नहा धो के फ्रेश होके ये बाहर निकला है गाइस, अभी बहुत फुरफुरे मिजाज पे है ना गंजी, ठीक है ना। कैसे हो पापा आप, सारे लोगों को हाय बोल दो ठीक है। और चलो ब्लॉग बनाते बनाते भैया दूध भी ले गए, तो दूध ले लेते सबसे पहले। चलो दूध रख देते फ्रिज के अंदर, क्योंकि यार मैं चाय का बहुत शौकीन हूँ इसे, और गाय का दूध का चाय का टेस्ट ही अलग होता है। और पेमेंट जो आपने देखा हर संडे हम कर देते हैं ठीक है ना, वीकली बेस पे होता है। और गाइस रही बात सेलिंग की, तो यार पिछले 2-3 दिन से ना मतलब जरा से भी सेलिंग अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत बुरा सेलिंग हो रहा है। मैं आपको क्या ही बताऊं, देखो मेरे दुकान पे जो भी सामान मैं उस दिन लेके आया था ना, तो लगभग जो सामान है ना सारा का सारा वैसे ही है। आप लोगों को मैं बता दूं 2-3 दिन में तो कम से कम रेक थोड़ा बहुत खाली हो जाना चाहिए था ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, इसका जो मेन रीजन है ना ये बारिश ठीक है, और ऑफ सीजन लगभग अभी राखी आने तक तो ऑफ सीजन ही रहेगा, इसलिए जो है सेलिंग थोड़ा सा कमी हो रहा है। हर साल का बात है गाइस, एक साल का नहीं है। और जो भी लोग दुकान चलाते हो खास करके जिनका दुकान नया है और मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे हो आप लोग कि भैया सेलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, दुकान पे कस्टमर ही नहीं आ रहा है, हम क्या करें, तो देखो इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट है। मैं काफी सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहले भी, आज भी बताना चाहूंगा, अगर आप दुकान कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो ना, हर चीज के ना दो पहलू होता है, एक अच्छा साइड एक बुरे साइड ठीक है। आपका बिजनेस करने में प्रॉफिट भी होगा और आपको नुकसान भी होगा, जैसे मैंने नेल पॉलिश दिखाया आपको, इसमें क्या नुकसान झेलना पड़ेगा आपको ठीक है, इसमें प्रॉफिट भी होता है। और सेम आपका अगर दुकान आज अच्छा चल रहा है तो ऐसा भी होगा कल बुरा चले ठीक है, तो उतार चढ़ाव ये लगा रहेगा जिंदगी में, साथ साथ में हमारा जो काम हम करते हैं बिजनेस इसमें भी। तो चलो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आ गया होगा, अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, और अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।